छत्तीसगढ़ की सियासत में एक बार फिर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी सीजीपीएससी की चर्चा होने लगी है। इस मामले की जांच शुरू करते ही सीबीआई ने सीजीपीएससी के पूर्व अध्यक्ष और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। ये वही सीजीपीएससी स्कैम है जिससे विपक्ष में रहते हुए बीजेपी ने विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा मुद्दा बनाया था और कांग्रेस सरकार इसी मसले पर जमकर घिरी थी। अब इस मामले में सीबीआई के एक्शन से हड़कंप मच गया है। ऐसे में हम अपनी रिपोर्ट में आपको आज सीजीपीएससी स्कैम का एबीसीडी बताने जा रहे हैं। नमस्कार, जय जोहार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ निधि भारद्वाज। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ तक। सीबीआई ने सीजीपीएससी घोटाले की जांच अपने हाथ में 16 फरवरी को ही ले ली थी। आरोप है कि तत्कालीन चेयरमैन, अधिकारियों और राजनेताओं के परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों को 2020-22 के दौरान जिला कलेक्टर, डिप्टी एसपी समेत अन्य अहम पदों पर नियुक्त किया गया था। अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि तत्कालीन चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी, तत्कालीन सचिव जीवन किशोर ध्रुव और अन्य पर मामला दर्ज किया गया है। इसके सीबीआई ने रायपुर और भिलाई में सोनवानी, जेके ध्रुव और अन्य के आवासीय परिसरों पर छापा भी मारा। बता दें कि आरोप है कि 2022 की सीजीपीएससी परीक्षा में हेराफेरी हुई जिसके नतीजे 11 मई 2023 को घोषित किए गए थे। चलिए अब आपको बताते हैं कि सीबीआई के प्रवक्ता ने इस मामले पर क्या कुछ कहा। सीबीआई के प्रवक्ता ने बताया कि प्रक्रिया के अनुसार एजेंसी ने एफआईआर को फिर से दर्ज किया जिसकी पहले राज्य पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने जांच की थी। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारियों और प्रमुख राजनेताओं के परिवार के सदस्य भर्ती के मुख्य लाभार्थी थे। सोनवानी के 5 परिवार के सदस्य जिनमें बेटा नितेश और बहू निशा कोसले डिप्टी कलेक्टर, बड़े भाई का बेटा साहिल डिप्टी एसपी, बहू दीपा जिला आबकारी अधिकारी और बहन की बेटी सुनीता जोशी श्रम अधिकारी के रूप में भर्ती प्रक्रिया में लाभार्थी थे। सीबीआई प्रवक्ता के अनुसार ये भी आरोप लगाया गया है कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग छत्तीसगढ़ के तत्कालीन सचिव जेके ध्रुव ने अपने बेटे सुमित को डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित करवाया। शिकायत जो अब सीबीआई की एफआईआर का हिस्सा है, इसमें आरोप लगाया गया है कि क्रम संख्या 1 से लेकर 171 से मेरिट में जगह बनाने वाले उम्मीदवार कथित तौर पर सरकारी अधिकारियों, राजनेताओं और प्रभावशाली व्यक्तियों से संबंधित है। इसमें छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के सचिव अमृत कुमार शोक के बेटे निखिल और बेटी नेहा, बस्तर नक्सल ऑपरेशन के डीआईजी पीएल ध्रुव की बेटी साक्षी, एक कांग्रेस नेता की बेटी अनन्या अग्रवाल, वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुधीर कटियार की बेटी भूमिका कटियार और दामाद शशांक गोयल, कांग्रेस नेता राजेंद्र शुक्ला की बेटी स्वर्णिम शुक्ला और एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजेंद्र कुमार कौशिक के बेटे सहित डिप्टी कलेक्टरों की सूची दी गई है। इसके साथ ही शिकायत में ये भी आरोप है कि यदि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के किसी अधिकारी के रिश्तेदार परीक्षा में बैठते हैं तो संबंधित व्यक्ति को आयोग के अन्य सदस्यों और अधिकारियों को सूचित करने के बाद खुद को इस प्रक्रिया से अलग करना होता है, जो सुनवानी ने नहीं किया। आरोप है कि सुनवानी ने नियमों का उल्लंघन नहीं किया और अपने परिवार के सदस्यों और अन्य अधिकारियों और प्रभावशाली व्यक्तियों के रिश्तेदारों का चयन किया, जिसे भ्रष्टाचार माना जाता है। शिकायत में कहा गया है कि परीक्षा में अच्छे अंक लाने वाले उम्मीदवार पीएससी अधिकारियों, सरकारी अधिकारियों और राजनेताओं के रिश्तेदार हैं। इससे पता चलता है कि उम्मीदवारों को पहले से ही परीक्षा का पेपर उपलब्ध करवा दिया गया था जिससे उन्हें अच्छे अंक मिले हैं और परिणामों में उन्हें अच्छी रैंक मिली। बता दें कि कथित सीजीपीएससी स्कैम का मुद्दा पूरे विधानसभा चुनाव में छाया रहा। बीजेपी नेता ननकीराम कंवर और वर्तमान में वित्त मंत्री ओपी चौधरी इस पूरे मामले पर तब की बघेल सरकार को घेरते दिखे थे। नवंबर 2023 में हुए विधानसभा चुनावों में भाजपा ने कांग्रेस को छत्तीसगढ़ की सत्ता से बाहर कर दिया और अब सीबीआई की एफआईआर के बाद एक बार फिर से विपक्षी कांग्रेस पर सत्तारूढ़ बीजेपी ने जमकर हमला बोला। इस मामले में ओपी चौधरी ने क्या कुछ कहा, ये सुनिए। हमारी सरकार बनते ही पीएससी पे सीबीआई जांच कराएंगे, इसकी घोषणा की थी। हमारी सरकार आते ही हमने लिख दिया था और वो कार्रवाई भी आगे बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ की युवा भाई बहनों के साथ न्याय होगा, जिनके साथ अन्याय होगा हुआ है उनको, उनके लिए जो गलत करते हैं उनके लिए एक सबक होगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, आने वाले 5 सालों में कांग्रेस की सरकार ने जितनी भर्तियां की हैं उससे ज्यादा भर्तियां भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी और पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ करके दिखाएगी। ओपी चौधरी ने साफ तौर पर दावा कर दिया है कि कांग्रेस सरकार ने अपने समय में जितनी भर्तियां की थी उससे ज्यादा बीजेपी के कार्यकाल में होगी। पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ भर्तियां कराई जाएंगी। अब देखने वाली बात होगी कि सीजीपीएससी में जो अब इस मामले में जो सीबीआई की जांच चल रही है उसमें क्या कुछ खुलासा होता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय जवाहर।